अस्सलाम वालेकुम, हम रफ़ीक हार्डवेयर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नए स्केल की कैलिब्रेशन लेकर आए हैं, जिसका मॉडल आता है माइक्रो के नाम से और इसका प्लेटफॉर्म है 12x12 का। तो ये एक 60 किलो का स्केल है, तो आज हम आपको इसकी कैलिब्रेशन सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप स्केल को ऑन कर लेंगे, ये साइड में इसका बटन है, इसको आप ऑन करेंगे। जैसे स्केल ऑन होगा आपने इसका कैलिब्रेशन कोड मिलाना है। तो कैलिब्रेशन कोड है इसका 8638 और फिर ये टेयर का बटन है, ये आपने दबाना है। जैसे आप टेयर का बटन दबाएंगे तो ये यूनिट प्राइस में आपको 0 लिखी नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये आपका स्केल कैलिब्रेशन मोड में जा चुका है। तो आगे जाने से पहले अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं कैलिब्रेशन की जानिब। तो जब आपको यूनिट प्राइस में स्मॉल 0 लिखी नज़र आएगी तो आपने 1 का बटन दबाना है और फिर टेयर का बटन दबा देना, ये टेयर का बटन है। तो आपने टेयर का बटन दबा देंगे तो यूनिट प्राइस में 2 लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये कैलिब्रेशन मोड में आ चुका है। इसका मतलब आपने इसके ऊपर वज़न रखना है, जितना आप वज़न रखेंगे वो आपने उसको बताना है कि मैंने कितना वज़न रखा है। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर 20 किलो का वेट रखा है। तो वेट रखने के बाद आपने टेयर का बटन दबाना है, ये अगले स्टेप में स्टेप 3 में चला जाएगा। फिर जैसे ही आप टेयर का बटन दबाएंगे ये आपसे स्टेप 3 में चला जाएगा, ये आपसे पूछेगा कि आपने कितना वेट रखा है। 5 किलो रखा है तो 5000 दे देंगे, 10 किलो रखा है तो 10000 दे देंगे। अगर 10 किलो रखा होता तो 10000 देता, लेकिन मैंने 20 किलो का वज़न रखा है तो मैं यहाँ पर 20000 लिखूँगा। तो 20000 लिखने के बाद आपने टेयर का बटन दबाना है तो ये स्टेप 4 में चला जाएगा। स्टेप 4 में आपने इसकी कैपेसिटी को एडजस्ट करना है कि कितनी कैपेसिटी इसकी हो मैक्सिमम। तो आप इसकी कैपेसिटी 60 किलो रखना चाहते हैं तो 60000 लिखेंगे तो ये 60000 आ जाएगी। अगर आप इसकी कैपेसिटी 99 किलो रखना चाहते हैं तो 99000 लिखेंगे। ये आप देखें, ये 20 किलो और ये 99000, लेकिन मैंने इसको 60 किलो पे चलाना है तो मैं 60000 लिखूँगा। 60000 लिखने के बाद मैंने टेयर का बटन दबा दिया, ये स्टेप 5 में चला जाएगा। स्टेप 5 में आपको इसके ग्राम सेट करने पड़ते हैं। जैसे 10 ग्राम पे चलाना हो तो 10 लिखना पड़ेगा, 5 ग्राम पे चलाना हो तो 5, इसी तरह 50 ग्राम से चलाना हो तो 50। तो मैंने इसको 5 ग्राम से चलाना है तो मैं 5 लिखूँगा। 5 लिखने के बाद टेयर का बटन दबा देंगे। तो जैसे ही टेयर का बटन दबाएंगे स्केल कैलिब्रेशन हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसके वैल्यू में यूनिट प्राइस में 999 से ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड मिलाना पड़ेगा। वो कोड है 398 और फिर आप टेयर का बटन दबाएँगे। जैसे ही टेयर का बटन दबाएंगे यहाँ पे स्मॉल 0 नज़र आएगी। आपने स्मॉल 0 नज़र आए तो आपने 5 का बटन दबा देना है। जैसे ही आप 5 का बटन दबाएंगे उसके बाद आपने फिर टेयर का बटन दबाना है। तो ये टेयर का बटन दबाएंगे, अब आप इसमें वैल्यू 1000 से ऊपर दे सकते हैं। जैसे अब ये 2000 है, इसी तरह 1000 है, तो जो भी आप वैल्यू देना चाहें। तो अगर आप इसको वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपने इसका कोड दोबारा मिलाना है 398 और फिर टेयर का बटन दबा देंगे और फिर 2525 लिखेंगे और 25 लिखने के बाद आपने फिर टेयर का बटन दबाना है तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगा। आप देखेंगे 999 तक वैल्यू लेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।